हमारे मलूसर रोड पर और उसरी गेट पर रहने वाले एक परिवार में कोरोना का संक्रमण फैला है। इस संक्रमण के तहत रामगंज थाना क्षेत्र में भी कर्फ्यू। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 लगाया गया है। अलवर गेट थाना क्षेत्र में भी एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है और क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के कर्फ्यू के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें लगता है कि लोगों की भलाई है, लेकिन साथ ही साथ में कर्फ्यू के साथ में वहाँ रहने वाले लोगों की दैनिक दिनचर्या के लिए जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, दूध है, सब्जियां हैं, उन सब की सप्लाई को सुनिश्चित करने के बाद में कर्फ्यू लगाते तो ठीक रहता। आज भी सुबह मेरे पास वहाँ के लोगों के फ़ोन आए कि सिर्फ 2 दुकानों को परमिशन दी गई है, जबकि DSO द्वारा बहुत सारी दुकानों को सूचीबद्ध किया गया था और मेरे द्वारा भी उनको दी गई थी। एक एक वार्ड में 5-5, 6-6 दुकानें हैं जिनको DSO द्वारा स्वीकृत किया गया। DSO के पास उनका डाटा भी है। DSO को चाहिए कि उन सब दुकानों को वो खुलने की परमिशन दें, क्योंकि खाने पीने की यदि किल्लत होती है कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में तो ये निश्चित रूप से लोगों की परेशानी का सबक बनेगा और फिर लोग आकर्षित होंगे। इसलिए उन एरियाज में दूध की सप्लाई, सब्जी की सप्लाई और खाद्य वस्तुओं की सप्लाई को पहले सुनिश्चित किया जाना था, उसके बाद में कर्फ्यू लगाया जाना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी समय रहता है, यदि आज भी प्रशासन इसको सुनिश्चित कर लेता है तो लोगों की तकलीफ़ों को हम कम कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ कर्फ्यू लगाना ही मात्र एक समाधान नहीं है, लोगों को अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना भी इसके साथ ही साथ एक बहुत आवश्यक काम है जिसको भी प्रशासन को करना चाहिए। मैडम, कर्फ्यू क्षेत्र में अभी भी राशन की सामग्री अभी तक नहीं पहुंची, जो नवाब का बेटा क्षेत्र है, डिग्री चौक क्षेत्र है, वहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची कर्फ्यू। अभी कल से ज़्यादा था पहले भी। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि नवाब का बेड़ा डिग्गी हो, मलूसर रोड हो, पहाड़गंज हो, खटीक बस्ती हो, मोची मोहल्ला हो, इन सब एरियाज में जहाँ बागड़ी बस्ती रहती है, जहाँ मयानी हॉस्पिटल के आसपास का क्षेत्र है, इन हमारी सांसी बस्ती उस कर्फ्यू क्षेत्र में आ गई है, राधा स्वामी सत्संग भवन के आसपास का एरिया उस कर्फ्यू क्षेत्र में आ गया, तो इन सभी क्षेत्रों में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जिनमें अत्यावश्यक चीज़ें हैं, दूध और हरी सब्जियां, उनकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसा मेरा बार बार प्रशासन को आग्रह है, ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।